नमस्कार, कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने देखा कि बुलियन में काफी बड़ी वॉलिटिटी के साथ हमने मार्केट को ट्रेड करते हुए देखा, जहां अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस 48,180 का लेवल ओपन होने के बाद 48,500 तक का लेवल दिखाया जरूर, बट तुरंत रूप से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस ढंग से फेड की अपडेट्स आ रही है, बॉन्ड बाइंग के प्रोग्राम को रोका जा रहा है और साथ में इंटरेस्ट रेट हाइक 2022 में हो सकती है, जिसके चलते गोल्ड में एकाएक काफी बड़ी गिरावट आई और 47,350 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखी बट प्राइसेस अभी भी 48,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से अगर हम बात करें तो फ्रेश बाइंग मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है, जो संकेत देता है कि गोल्ड सपोर्ट ले सकता है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो पूरे हफ्ते के अंदर हमने 0.5% की गिरावट आती हुई देखी है। प्राइजेस 63,500 का लेवल ओपन होकर कोशिश जरूर की थी 63,700 के ऊपर सस्टेन करने की, बट बड़ा फॉल आया और 60,600 का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग के अंदर कल हमने 900 रुपए की तेजी आती हुई देखी, बट अभी भी फ्रेश सेलिंग काउंटर पे दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, जो संकेत देता है कि सोना अनसर्टेनिटी की वजह से तेज कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटल साइड हमने देखा कि फेड के अपडेट के बाद तुरंत रूप से सोने और चांदी में गिरावट थी, बट कोरोना के बढ़ते हुए संकट के चलते कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बट बड़ी तेजी के लिए 48,500 के ऊपर गोल्ड और इंटरनेशनल में $1,820 के ऊपर अगर जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट 1760 से लेकर 1820 का ब्रॉडर रेंज में रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर गोल्ड की बात करें तो प्राइजेस 47,000 से 48,500 का एक ब्रॉडर रेंज है। चांदी में इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए कि 2170 2140 के मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है पिछले साल भर के अंदर, तो अनलेस एंड अंटिल प्राइजेस $22 का लेवल होल्ड कर रहा है हम जम देख सकते हैं, बट 23-23-20 के ऊपर निकलने पे ही मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, जैसे उम्मीद थी क्रूड के अंदर हमने पूरे वीक में 3% की गिरावट, जबकि पिछले हफ्ते एक ही दिन में हमने 12% तक की भी गिरावट बनते हुए देखी। उम्मीद यही थी कि 4,700-4,800 तक का लेवल दिखा सकता है और हमने 4,700 तक के लेवल क्रूड में, वहीं नेचुरल गैस के अंदर 306 का सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। ओपेक नेशंस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें की है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव जरूर है, साथ में कोरोना की वजह से जो ट्रेवलिंग रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्राइजेस पे दबाव ला रहा है। टेक्निकली ओवरसोल्ड होने की वजह से प्राइजेस के अंदर जंप जरूर है लोअर लेवल से, बट कहीं ना कहीं अभी भी कंसर्न्स बना हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए मार्केट ओवरसोल्ड में है, बाउंस आ सकता है 5150 से 5200 तक का लेवल क्रूड ऑयल में, उस बाउंस में बेच के ही चलना है 4800 का लेवल क्रूड ऑयल में। वहीं नेचुरल गैस में ध्यान रखिए कि प्राइजेस जब तक 350 का लेवल ब्रीच नहीं करता है ट्रेंड वीक है, बट डाउनसाइड 290 का सपोर्ट रहेगा। विंटर्स में जनरली डिमांड बढ़ जाती है, जिसका सपोर्ट क्रूड और नेचुरल गैस को मिलना जरूर चाहिए, बट रेस्ट्रिक्शंस जो ट्रेवलिंग पे लग रहा है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव रह सकता है दोनों एनर्जी प्रोडक्ट के लिए। अंत में अगर बेस मेटल की अगर हम बात करें तो बेस मेटल में हमने काफी मिक्स व्यू बनते हुए देखा। कॉपर ने मल्टीपल ऑफ टाइम 740 का लेवल तोड़ने की कोशिश की है, बट कोरोना की कंसर्न्स और डॉलर की तेजी की वजह से हमने कहीं ना कहीं दबाव बनते हुए दिखा है। चाइना से जो डेटा पॉइंट आए हैं ये भी कोई खास अच्छे नहीं आए हैं। पीएमआई का डेटा 50 के नीचे ही है, जो कहीं ना कहीं संकट बताता है कि इकोनॉमी में है डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में हमने देखा थोड़ा बहुत सपोर्ट एनर्जी क्राइसिस जो चाइना में बना हुआ है, इसका भी एक सपोर्ट मिला, जिसके चलते एल्यूमिनियम के प्राइसेस 0.25% की तेजी के साथ 211 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक के चलते हमने आउटपुट कटौती देखी है, इन्वेंट्री मल्टीपल ईयर के लो पे है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे भी रहा है, बट कहीं ना कहीं अगले हफ्ते की अगर बात करें तो एक दबाव बढ़ सकता है, जहां पे कॉपर हमें लगता है 705-708 तक का लेवल, जिंक के अंदर करीबन 265 से 262 तक के लेवल, निकल 1480 से लेके 1540 का दायरे में रहेगा। बट ध्यान रखिए आयरन ओर के भाव में तेजी की वजह से निकल के अंदर तेजी बनी हुई है, जो 1580 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। एल्यूमिनियम काफी सपोर्टिव है, बट 208 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो 205 तक का लेवल दिखा। तो इनऑल अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो बेस मेटल के अंदर सेल ऑन रैली की रणनीति अपनाइए, सोने चांदी के अंदर बाय ऑन ड्रॉप की, और एनर्जी के अंदर भी सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के ट्रेड करनी चाहिए। धन्यवाद।